नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज गिरी और इस सेशन में मैं डील कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट में। और मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि इस एफटीआर वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से उठाए हैं प्रश्नों को। तो इससे पहले कि हम सीधे प्रश्नों पे पहुंच जाएं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि हम कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से करा रहे हैं हर एक इतवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन टेस्ट। और इस ऑनलाइन टेस्ट में आप सभी को शामिल होने के लिए क्या करना है, तो आप सभी को रजिस्टर करना है हमारी वेबसाइट में शुक्रवार की रात तक, ताकि आप सभी शामिल हो पाए इस संडे के टेस्ट में। तो ये हो गई अनाउंसमेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रश्नों पे। तो सामान्य परिचय से यह रहा पहला प्रश्न, जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा लिया गया। अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधी कुछ फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ, तो हुआ 1 नवंबर और वर्ष था क्या, तो 2000। इसके बाद एक अधिनियम था, उस अधिनियम का क्या नाम था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना, तो 135192 वर्ग किलोमीटर, या आपको 191 भी मिलेगा। इससे संबंधित कम से कम आपको 10 डेटा मिलेगा और 10 सरकार की अलग अलग स्रोतों से, लेकिन आप 135192 को मान लीजिए। तो हमने देखा 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 के आधार पर गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना था, तो 135192 वर्ग किलोमीटर। और मैं आपको यह भी बता दूं, मध्य प्रदेश के 30.47% क्षेत्रफल को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को लेके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, तो 30.47% क्षेत्रफल को लेके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। अब वापिस आ जाएं प्रश्न पे। तो प्रश्न में ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो पहला है 30.47, दूसरा है 34.07, तीसरा है 33.47 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आप सभी को क्या बताया कि मध्य प्रदेश के 30.47% क्षेत्रफल को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और 30.47 दिया है ऑप्शन ए में, और इसीलिए इस प्रश्न क्रमांक एक का सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन ए 30.47%। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो समझिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहां है, तो ध्यान रखें बिलासपुर में। यह भारत का 19वां उच्च न्यायालय। इसके अलावा अभी की परिस्थिति में, मतलब मैं बात कर रहा हूं जनवरी वर्ष 2021 की परिस्थिति में, तो अभी इस उच्च न्यायालय में 14 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं, 14। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हैं जस्टिस P.R. रामचंद्र मेनन। तो मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, P.R. रामचंद्र मेनन जी। क्रम तो ध्यान रखना 13वें रेगुलर।
बात करें अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की तो कौन थे? डब्ल्यू ए शशांक। कौन थे? डब्ल्यू ए शशांक। इसके अलावा इन 14 में से दो जो हैं वह महिला न्यायाधीश हैं। अब यह दो कौन कौन हैं? तो एक हैं जस्टिस विमला सिंह कपूर और दूसरी हैं जस्टिस रजनी दुबे जी। तो हमने क्या क्या देखा? तो हमने देखा छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, भारत का 19वां उच्च न्यायालय, कुल 14 न्यायाधीश हैं अभी की स्थिति में, मुख्य न्यायाधीश तो 13वें और अभी हैं कौन? पी आर रामचंद्र मेनन जी। प्रथम कौन थे? डब्ल्यू ए शशांक जी। फिर मैंने आपको बताया 14 में से दो महिला न्यायाधीश हैं, पहली हैं विमला सिंह कपूर जी और दूसरी हैं रजनी दुबे जी। अगर बात करें नियुक्ति के संदर्भ में तो जस्टिस विमला सिंह कपूर और जस्टिस रजनी दुबे दोनों की नियुक्ति एक ही साथ हुई थी, लेकिन विमला सिंह कपूर जी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कहा जाता है। किस आधार पर? तो ध्यान रखना, सीनियरिटी के आधार पर विमला सिंह कपूर जी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कहा जाता है। इसके अलावा एक और फैक्ट ध्यान रख लेना है, वह फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी। कोविड-19 के चलते बहुत रिसेंटली जस्टिस त्रिपाठी की मृत्यु हुई है, इसलिए इस बार की प्री के संदर्भ में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो आप 12वें मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी को भी याद रख लेंगे। तो वापस आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में पूछा गया है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो हमने देखा महिला न्यायाधीशों की संख्या जो है वह कितनी है? तो दो है, लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया है? तो 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, इसके अलावा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। संख्या तो 2 है हमने देखा है, और 2 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन ए में, बी में और सी में। तो बचा क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसीलिए यह ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं यह होने वाला है सही उत्तर इस दूसरे प्रश्न के संदर्भ में। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में क्या करना है? तो सही मिलान करना है। एक ओर क्या है? तो जिला दिया हुआ है, दूसरी ओर क्या है? तो गठन का वर्ष दिया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं गठन के वर्ष को। तो पहले है 1948, उसके बाद 1973, उसके बाद है 1998 और उसके बाद है वर्ष 2012। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम एक मैप के माध्यम से। तो ध्यान रखें सबसे पहले जो वर्ष था वह था 1948, उसके बाद था 1973, उसके बाद 1998 और उसके बाद 2012। अब 1948 में ध्यान आपको यह रखना है छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से जिले रहते हैं? तो पहले सरगुजा, उसके बाद रायगढ़ और बस्तर। तो ध्यान रखना आज के बस्तर संभाग के 7 जिलों को अगर मिला दें तो इतना बड़ा था यह बस्तर जिला जिसका निर्माण हुआ था वर्ष 1948 में। रायगढ़ की अगर मैं बात करूं तो आज का जशपुर जिला और रायगढ़ जिला यह कुल हुआ करता था उस समय का रायगढ़ जिला वर्ष 1948 में। और सरगुजा संभाग में जशपुर को छोड़ दिया जाए तो यह जो बाकी बच गए 4 जिले
कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, यह संयुक्त रूप से था सरगुजा जिला वर्ष 1948 का। तो 1948 में हमने क्या देखा, तो हमने देखा सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। इसके बाद बात करूं वर्ष 1973 की, तो ध्यान आपको यह रखना है कि वर्ष 1973 में निर्माण हुआ था दुर्ग से टूट के इस राजनांदगांव जिले का। कौन से जिले का निर्माण होता है? राजनांदगांव जिले का। अब अगर हम 1973 का पिक्चर देखें तो ध्यान आपको यह रखना है कि उस समय का दुर्ग जिला जो था वह संयुक्त रूप से आज के बेमेतरा, दुर्ग, बालोद के अलावा राजनांदगांव और बहुत कुछ हिस्सा इस कबीरधाम जिले का। ध्यान रखना, पंडरिया जो तहसील है उसको छोड़ देंगे। पंडरिया तहसील जो है वह असल में उस समय बिलासपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। तो यह संयुक्त हिस्सा था किसका? तो दुर्ग जिले का, जिसमें आज के कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो बेमेतरा, दुर्ग हो गया, बालोद हो गया, उसके अलावा आज का राजनांदगांव और आज का कबीरधाम जिला पंडरिया तहसील को छोड़ के। तो यह था उस समय का संयुक्त दुर्ग जिला। अब इस दुर्ग जिले से वर्ष 1973 में बना क्या, तो राजनांदगांव जिला बन गया। और राजनांदगांव जिला जो है वह 73 में अलग हो गया किससे? इस दुर्ग जिले से। तो हमने अभी तक क्या देखा, 48 में सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, 73 में देखा है राजनांदगांव। वापस प्रश्न पे आते हैं, तो राजनांदगांव जो है इसका मिलान कर सकते हैं 1973 से, और बस्तर जो है उसका मिलान हो सकता है वर्ष 1948 से। अब ध्यान रखें, बात करूं अगर वर्ष 1998 की, तो वर्ष 1998 में छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन हुआ। कितने जिलों का? तो 9 जिलों का। अब देखते हैं कि करके 9 जिलों को, तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस सरगुजा संभाग से, सरगुजा जिले से टूटकर बनता है कोरिया जिला। तो पहला हो गया कौन सा? तो हो गया कोरिया। उसके बाद ध्यान रखना, सरगुजा संभाग में ही लेकिन रायगढ़ जिले से टूट के बनता है जशपुर जिला। तो दूसरा हो गया जशपुर। इसके बाद आ जाते हैं हम बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर से टूटकर दो जिले बने, एक बना कोरबा और दूसरा बना जांजगीर चांपा। तो तीसरा हो गया कोरबा और चौथा हो गया क्या? तो जांजगीर चांपा। इसके बाद आ जाते हैं इस दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में एक जिला उस समय नाम था कवर्धा। कवर्धा जिले का निर्माण होता है। अब इस कवर्धा जिले में ध्यान रखना, कुछ हिस्सा जाता है वह राजनांदगांव जिले का और जो पंडरिया तहसील वाला हिस्सा है वह जाता है असल में बिलासपुर जिले से। तो अगला जिला हुआ कवर्धा। इसके बाद इस रायपुर संभाग में रायपुर जिले से टूटकर दो जिलों का निर्माण होता है, एक रहता है महासमुंद और दूसरा रहता है धमतरी। तो हमने क्या देखा, रायपुर संभाग से, रायपुर जिले से ही बनते हैं क्या? तो महासमुंद और धमतरी जिले। इसके बाद ध्यान रखना है आपको, जो कांकेर जिला है कहां पे? तो बस्तर संभाग में। तो यह जो कांकेर जिला है और यह जो दंतेवाड़ा जिला है, इन दोनों जिले का निर्माण होता है बस्तर जिले से टूट के, किस वर्ष में? तो ध्यान रखना, वर्ष रहता है 1998। तो किस वर्ष में? 1998। तो कितने जिले हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दो सरगुजा संभाग से, दो बिलासपुर संभाग से, दो रायपुर संभाग से, दो बस्तर संभाग से, और ध्यान रखना एक रहता है दुर्ग संभाग से। तो 1998 में क्या क्या देख लिया? कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, फिर देखा कवर्धा, फिर महासमुंद, फिर धमतरी, फिर कांकेर और फिर दंतेवाड़ा। वापस प्रश्न में आ जाएं,
तो 1998 के साथ क्या हम जशपुर का मिलान कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब सूरजपुर जो बच गया, सूरजपुर बच गया वह है 2012 का। अब अगर पेयरिंग कर दें तो क्या हो गया? तो हो जाएगा A3, इसके बाद आएगा B4, इसके बाद आने वाला है C2, और आने वाला है फिर क्या? तो D1। अब देखिए ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है A3, B4, C2 और D1, और इसीलिए इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी और सबसे छोटी राज्य सीमा क्रमशः डैश और डैश राज्यों के द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए तो इस प्रश्न को जो है हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जितने पड़ोसी राज्य हैं उनको बना लेते हैं एक बार। तो सबसे उत्तर की ओर क्या है? तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो राज्य है वह है क्या? तो झारखंड। इसके बाद आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है क्या? तो है तेलंगाना। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो मैंने क्या बताया, सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद ओडी हुआ उड़ीसा, फिर एपी है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तेलंगाना TL, महाराष्ट्र का MH और मध्य प्रदेश का MP। अगर सीमा की लंबाई की बात करूं तो सबसे लंबी जो सीमा है छत्तीसगढ़ की वह बनती है उड़ीसा राज्य के साथ। लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 830 किलोमीटर। कितनी है? 830 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश 410 किलोमीटर के साथ। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र 379 किलोमीटर के साथ। कितने किलोमीटर? 379 किलोमीटर। उसके बाद है झारखंड 270 किलोमीटर के साथ। इसके बाद तेलंगाना है 173 किलोमीटर के साथ। उसके बाद है उत्तर प्रदेश 103 किलोमीटर के साथ। और सबसे छोटी सीमा है आंध्र प्रदेश की 38 किलोमीटर के साथ। तो हमने क्या देखा, उड़ीसा 830 किलोमीटर सबसे बड़ी सीमा, उसके बाद सेकेंड रैंक पे मध्य प्रदेश 410 किलोमीटर, थर्ड रैंक पे महाराष्ट्र 379 किलोमीटर, उसके बाद हमने देखा है झारखंड 270 किलोमीटर, फिर हमने क्या देखा तो तेलंगाना 173, उत्तर प्रदेश 103 और देखा आंध्र प्रदेश 38 किलोमीटर। अब इनसे लगे अगर जिलों की बात करें तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के साथ सीमा बनाता है, झारखंड बलरामपुर और जशपुर दोनों के साथ। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की सीमा की शुरुआत हो जाती है जशपुर, उसके बाद फिर रायगढ़, फिर है महासमुंद, के बाद है गरियाबंद, के बाद थोड़ा सा हिस्सा धमतरी, फिर है क्या तो कोंडागांव, फिर है बस्तर और उसके बाद है सुकमा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के साथ सीमा का निर्माण करता है। झारखंड हमने देखा है 2 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश देखा है हमने 1 जिले के साथ, फिर है आंध्र प्रदेश निर्माण सिर्फ एकमात्र जिला सुकमा के साथ, तेलंगाना सुकमा और बीजापुर 2 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा का निर्माण करता है, महाराष्ट्र बीजापुर नारायणपुर कांकेर और राजनांदगांव इन 4 जिलों के साथ सीमा का निर्माण करता है छत्तीसगढ़ के साथ। एमपी की बात करें तो राजनांदगांव कबीरधाम मुंगेली गौरेला पेंड्रा मरवाही उसके बाद है कोरिया उसके बाद सूरजपुर और थोड़ा सा हिस्सा बलरामपुर। तो यह हो गए वे 7 जिले जो कि सीमा का निर्माण करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। तो आइए चलते हैं वापस प्रश्न पे। तो प्रश्न में क्या दिया है, सबसे लंबी पहले और सबसे छोटी उसके बाद। तो सबसे लंबी क्या देखा है, तो हमने देखा था उड़ीसा के साथ कितना 830 किलोमीटर, और सबसे छोटी तो हमने देखा था आंध्र प्रदेश के साथ कितना तो 38 किलोमीटर। तो 830 उड़ीसा सबसे बड़ी, 38 आंध्र प्रदेश सबसे छोटी। अब हमें क्या करना है, तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले दिया हो उड़ीसा और उसके बाद दिया हो आंध्र प्रदेश। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी, और इसीलिए ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होने वाला है हमारे चौथे प्रश्न का।
अब आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ का पूर्वी विस्तार अर्थात 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के किस पड़ोसी राज्य को स्पर्श करता है? तो वापस अगर हम इसी मैप पर आ जाएं, तो छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी विस्तार है वह ये है 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम क्या देख रहे हैं, यह जो हिस्सा है यह जशपुर जिले का है, और यह जो हिस्सा है जशपुर का वह किसको स्पर्श कर रहा है? तो झारखंड राज्य को स्पर्श कर रहा है। प्रश्न पर वापस आते हैं, बताना है कि किस पड़ोसी राज्य को स्पर्श करता है। हमने देखा है झारखंड को करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वह पांचवें प्रश्न का होगा सही उत्तर। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम छत्तीसगढ़ में प्लॉट कर लेते हैं कर्क रेखा को। सबसे पहले कर्क रेखा, तो ध्यान रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और यह जो रेखा है यह रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिलों से? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों से। अब प्रश्न पर वापस आते हैं और देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट्स को। तो पहला स्टेटमेंट कहता है यह छत्तीसगढ़ में 7 जिलों से होकर गुजरती है। क्या यह बात सही है? हमने अभी अभी देखा कि यह 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इसलिए यह पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट है यह बस्तर संभाग के किसी भी जिले से नहीं गुजरती है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है, हमने देखा जो 3 जिले हैं कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, तीनों के तीनों सरगुजा संभाग से ही है। मतलब यह जो रेखा है सिर्फ सरगुजा संभाग से होकर गुजरती है, तो यह स्टेटमेंट तो हो गया सही। तीसरा स्टेटमेंट है यह रायगढ़ जिले से होकर गुजरती है, गलत है, सिर्फ और सिर्फ कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों से होकर गुजरती है। चौथा स्टेटमेंट है यह छत्तीसगढ़ के केवल सरगुजा संभाग से होकर गुजरती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया यह सिर्फ और सिर्फ सरगुजा संभाग से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़ में। अब हमें क्या करना है, तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही है 2 और 4, जो कि दिया है ऑप्शन सी में, और इसीलिए ऑप्शन सी जो है वह सही ऑप्शन है इस छठवें प्रश्न के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए इस मैप में हमने ऑलरेडी प्लॉट किया है किसे, तो कर्क रेखा को। अब इसी में हम भारतीय मानक समय की रेखा को भी प्लॉट कर देते हैं। भारतीय मानक समय की रेखा जो है वह 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अब यह जो रेखा है यह रेखा एंटर करती है सरगुजा संभाग में, और उसके बाद आ जाती है कहाँ, तो बिलासपुर संभाग, तत्पश्चात रायपुर संभाग होते हुए निकल जाती है छत्तीसगढ़ से बाहर। जिलों की बात करें तो सबसे पहले कोरिया, फिर सूरजपुर, उसके बाद है कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, उसके बाद है बलौदा बाजार के बाद महासमुंद और गरियाबंद। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले कोरिया, सूरजपुर, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, उसके बाद बलौदा बाजार, फिर महासमुंद और फिर गरियाबंद। मतलब कितने जिले हो गए, तो 7 जिले। कौन कौन से संभाग से? तो सरगुजा संभाग से, बिलासपुर संभाग से और रायपुर संभाग से। यह चीज और भी देखी हमने कि यह जो दोनों रेखाएं हैं कर्क और भारतीय मानक समय, यह एक दूसरे को कहां काट रही हैं, तो ध्यान रखना यह एक दूसरे को काट रही हैं कोरिया जिले में। अब आप लोग बोलोगे सर यह प्रश्न आया है 2017 पीएससी में और आंसर सूरजपुर लिया गया था। बिल्कुल लिया गया था, उसके बाद दावा पत्ति हुई और दावा पत्ति के बाद उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना यह जो मैं आपको कोरिया बता रहा हूं इसका सोर्स है चिप्स, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, जो कि एक सरकारी संस्था है, उसी का डेटा है कि दोनों का मिलान कहां होता है, तो कोरिया में होता है। प्रश्न पर वापस आ जाते हैं, पहले स्टेटमेंट दिया है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही, कोरिया था, उसके बाद सूरजपुर, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, उसके बाद क्या देखा, तो बलौदा बाजार, फिर महासमुंद और गरियाबंद।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग से होकर गुजरती है। तो हमने सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर तो देखा है, लेकिन ध्यान रखना दुर्ग संभाग हमने नहीं देखा। मतलब यह जो रेखा है दुर्ग संभाग से होकर नहीं गुजरती, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, यह कर्क रेखा को सरगुजा संभाग में काटती है, बिल्कुल सही, कोरिया में काटती है, मैंने बताया चिप्स के अनुसार। अब देखिए क्या दिया गया है, हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन सही नहीं है, और केवल दो जो दिया है वह दिया है ऑप्शन सी में, और इसीलिए यह जो ऑप्शन सी है यह सातवें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में छत्तीसगढ़ के संभागों को व्यवस्थित करें। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम है मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा संभाग है वह है बस्तर, बस्तर के बाद है सरगुजा, सरगुजा के बाद है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद है रायपुर, और अंततः सबसे छोटा संभाग है दुर्ग। तो घटता क्रम क्या होगा, तो बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। अब देखिए यह जो क्रम है, अब ऑप्शन ए को देखते हैं, पहले है बस्तर उसके बाद सीधा बिलासपुर आ गया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखिए, तो बस्तर उसके बाद है सरगुजा उसके बाद है बिलासपुर उसके बाद है रायपुर और दुर्ग, जो कि उसी प्रकार है जिस प्रकार मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वह सही ऑप्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो क्रम है वह बिल्कुल सही है जैसा कि एक्सप्लेनेशन में मैंने आप सभी को बताया, तो ऑप्शन बी है वह सही उत्तर है इस आठवें प्रश्न का। अब आ जाते हैं हम अपने नौवें प्रश्न पे। तो नौवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या हमेशा से 90 थी, लेकिन अगर मैं बात करूं विधायकों की तो हुआ करते थे 90-1, या सदस्यों कह दूं तो सदस्य पहले हुआ करते थे 90-1, जिसमें एक हुआ करता था मनोनीत, और यह जो मनोनीत सदस्य है कौन हुआ करता था, तो हुआ करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। किस आधार पर, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 333 के आधार पर। इसके बाद मैं ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोस में बता ही चुका हूं कि यह जो आरक्षण है यह समाप्त होने वाला था वर्ष 2020 में, और इसका नवीनीकरण किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया गया, और इसीलिए यह आरक्षण अब समाप्त हो गया। तो निर्वाचन क्षेत्र भी 90 हैं और सदस्य भी अब हो गए 90। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, निर्वाचन क्षेत्र हमेशा से ही 90 थे, सदस्य पहले 90-1 हुआ करते थे, जिसमें से एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता था मनोनीत। तो यहां पर पूछा गया है सीटों की या निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तो क्या है 90, जो कि दिया है ऑप्शन ए में, और इसलिए यह जो ऑप्शन ए है यह है आपके 90 प्रश्न का सही उत्तर। फाइनली हम आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था। तो जी हाँ, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ उस समय भारत का 26वां राज्य था। दूसरा स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब गठन हुआ तब तो छत्तीसगढ़ जो है वह 10वां सबसे बड़ा राज्य था भारत का, किस आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन वर्ष 2019 में जो राज्य था जम्मू कश्मीर, उसका हो गया पुनर्गठन, और पुनर्गठन होने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेश या यूटी बन गए, नाम क्या क्या, तो एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब आप समझिए, जम्मू कश्मीर तो राज्य ही नहीं रहा, तो अपने आप छत्तीसगढ़ की रैंकिंग 10वें से खसक के कहां पर आ गई, 90वें पर आ गई। क्यों आ गई, वह इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल जो था वह छत्तीसगढ़ से बड़ा था। तो जब जम्मू कश्मीर हट गया और चला गया किस श्रेणी में, तो केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, तो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या आ गई, 10 से खिसक के आ गई 9 पे। समझ में आया, तो अगर हम
क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों के रैंकिंग की बात करें तो अब छत्तीसगढ़ दसवां नहीं नौवां सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए स्टेटमेंट टू हो गया गलत। तो स्टेटमेंट वन सही है, टू गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को 28 अगस्त 2000 के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। सारे बुक्स में आपने यही डेटा पढ़ा होगा 28 अगस्त 2000, लेकिन यह डेटा गलत है। अब मुझे पता है आप लोग जो है नाक भौं आप सिकोड़ने लगे होंगे कि यह कैसे गलत है, तो इसके लिए मैंने यह राजपत्र निकाल कर रखा है। अब इस राजपत्र में देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, मतलब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके बाद इस लाइन को पढ़ें, The following act of parliament received the assent of president on 25th August 2000. मतलब निम्नलिखित अधिनियम जो है उसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है 25 अगस्त 2000 को, ऐसा लिखा है किसमें, तो राजपत्र में। और मैं आपको दिखा भी दूं कि यह राजपत्र किसका है, तो देखिए लिखा है गैजेट ऑफ इंडिया। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भारत के गैजेट में ही दिया है 25 अगस्त सन 2000। तो अब बताइए क्या यह तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, तो नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जी हां इसे लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी जी के ही द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब हमें क्या बताना है कौन सा कथन गलत है, तो देखिए कथन दो और कथन तीन दोनों गलत है। अब दो और तीन किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए यह जो ऑप्शन बी है यह होने वाला है सही उत्तर इस दसवें प्रश्न का। तो यह थे कुछ 10 अच्छे और कंसेप्चुअल प्रश्न छत्तीसगढ़ के जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय से। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ का संभाग परिचय। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।